बदरपुर थाना क्षेत्र में युवक ने लिव इन रिलेशन में रह रही युवती का गला काटने के बाद चाकू घोप घोप कर हत्या कर दी। पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल करके हत्या की सूचना दी। हत्या करके युवक पुलिस के आने तक शव के पास बैठा रहा। मृतका की पहचान 29 वर्षीय मनीषा और आरोपी की पहचान 37 वर्षीय अनिल के रूप में हुई है। गिरफ्तार अनिल ने पुलिस को बताया कि लिव इन रिलेशन में रह रही उसकी पार्टनर कुछ समय से उसे अनदेखा कर रही थी, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। दक्षिण पूर्व जिला डीसीपी आरपी मीना ने बताया कि बदरपुर थाना पुलिस को मकान मालिक ने सूचना दी कि मकान नंबर 2288 गली नंबर 62 सेकंड 60 फुटा रोड मोलरबंद में मेरे एक किराएदार ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया है। सूचना मिलते ही बदरपुर थाने के तेजतर्रार एसआई विवेक गौतम, हेड कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल राजेश के साथ वारदात स्थल के लिए निकल पड़े। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि महिला खून से लथपथ हालत में पड़ी थी और आरोपी शव के बगल में बैठा हुआ था। महिला को तुरंत अचेत हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मृतका मनीषा आरोपी अनिल के साथ 2011 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दोनों गुरुग्राम के रहने वाले हैं और आरोपी अनिल पहले से शादीशुदा है। फिर भी मनीषा से शादी करना चाहता था, लेकिन मनीषा ने शादी से इनकार कर दिया था। अनिल ने पूछताछ में बताया कि बुधवार को सुबह 5 बजे गोविंदपुरी से लगभग 3 महीने के बाद मनीषा कमरे पर आई और अपना सामान लेकर तुरंत गोवा जाने की तैयारी करने लगी। अनिल ने आगे बताया कि उसने मनीषा को जाने से पहले एक बार गले लगने को बोला, लेकिन मनीषा ने उसे झटक दिया और गाली देते हुए सो गई। आरोपी भी उसके बगल में सो गया, लेकिन मनीषा द्वारा अपनी अनदेखी की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। आरोपी अनिल बिस्तर से उठा और पहले पेंसिल कटर से मनीषा की गर्दन काटी, फिर सब्जी काटने वाले चाकू से लगभग 20 से भी ज्यादा बार हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पड़ोसी शोर सुनने के बाद घर में घुसे, देखा मनीषा खून से लथपथ पड़ी थी। पुलिस के आने तक हत्यारा शव के बगल में आराम से बैठा रहा। बार बार अपनी अनदेखी और शादी से इनकार कर देने की वजह से मनीषा की मौत हो गई। वहीं आरोपी अनिल ने गुनाह को पुलिस के सामने कबूल कर लिया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू को बरामद कर लिया है। वहीं अनिल और मनीषा के परिजनों को घटना की सूचना दी है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।